नमस्ते फ्रेंड्स, आर एंड टैरो में आपका स्वागत है। लाइफ जो है दो में बटी हुई है, नेगेटिव और पॉजिटिव, मेल और फीमेल, ब्लैक एंड वाइट, यिन एंड यांग। पूरा लाइफ का जो खेल है वो दो के ऊपर चलता है, फीमेल एस्पेक्ट्स और मेल एस्पेक्ट्स। ये दो आपको जो है अपनी लाइफ में हर वक्त नज़र आएंगे। इफ़ योर लाइफ हैज़ टू बी कम्प्लीट, देन बोथ दीज एस्पेक्ट्स has to be in balance. They both are needed and they are both needed in a balanced way. Only then you can have a beautiful life. So इसी दो को जो है अपने माइंड में रखते हुए आज जिस कार्ड को आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है the card of the justice. Card of justice में जाने से पहले उसके keywords देखेंगे। Card of justice के keywords हैं balance, decision, judgment, fairness, law, cause and effect. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जस्टिस कार्ड का जो नंबर है वो है 11। 1 और 1 को आप जो है ऐड अप कर दीजिए तो वो बनता है 2, और 2 जो है वो नंबर स्टैंड करता है बैलेंस के लिए, और वो स्टैंड करता है मेल और फीमेल के लिए, एक पार्टनरशिप के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, एक कनेक्शन के लिए। और अगर आप जो है अगर आप इस नंबर 11 को देखें तो आप समझ लीजिए कि इट इज़ मोर लाइक अ स्केल, कि इट इज़ लाइक काइंड ऑफ बैलेंसिंग। तो इसमें जो 11 नंबर है वो स्टैंड करता है इक्वालिटी के लिए। तो आप देख सकते हैं कि टैरो में एक एक नंबर भी जो यूज़ होता है, पिक्चर्स तो रेलेवेंट होती ही हैं, जो नंबर्स जो साथ में होते हैं वो भी बहुत रेलेवेंट रखते हैं। तो जस्टिस कार्ड में हम देखते हैं एक फिगर को अपने लेफ़्ट हैंड में जो है स्केल पकड़े हुए और अपने राइट हैंड में एक सॉर्ड पकड़े हुए। पीछे जो है 2 पिलर शो करते हैं और एक वेल जो उसके पीछे जो है टंगा हुआ है, जो कि सिग्निफाई करता है कि व्हेन दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक अ डिसीजन दिस वेल विल बी लिफ्टेड। अब इसके गहरे साइकोलॉजिकल मीनिंग में जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड से जो है इसने स्केल पकड़ा हुआ है और राइट हैंड से जो है उसने सॉर्ड पकड़ी हुई है। जो आपका लेफ्ट हैंड है वो आपके राइट ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, विच एक्चुअली स्टैंड फॉर द फेमिनिन साइड ऑफ यू, और जो आपका राइट हैंड है वो आपके लेफ्ट ब्रेन से कनेक्टेड है, विच इज़ मोर ऑफ अ मैस्कुलिन साइड ऑफ यू। सो इसके अंदर एक बैलेंस की एक स्टेज शो करी गई है कि आप जब डिसीजन लेंगे तो आप डिसीजन लेंगे अपने कंपैशन से, एम्पैथी से, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, कि ब्लाइंड अगर डिसीजन होगा तो आप कभी भी जो है सही डिसीजन नहीं दे पाएंगे। हम अपने इंडियन जस्टिस सिस्टम को देखते हैं कि उसके जो कानून के आँखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन यहाँ पे हम जजमेंट को देखते हैं, यहाँ पे जो हम फिगर को देखते हैं वो ये देखते हैं कि यहाँ पे पट्टी नहीं है, कि यहाँ पे देखा जा रहा है, यहाँ पे सही से तोला जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी हम किसी के लिए जजमेंट करते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ऑल्सो अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर दिस पर्सन इज़ कमिंग एंड वाई दिस पर्सन हैज़ एक्चुअली कमिटेड द क्राइम। क्या रीज़न रहा था, क्या कारण रहा होगा, किसके कारण जो है उसको ऐसी स्थिति बन गई कि उसको ये काम करना पड़ा। सो वन नीड्स टू हैव एम्पैथी, वन नीड्स टू हैव दैट अंडरस्टैंडिंग इन ऑर्डर टू गिव दैट डिसीजन, इन ऑर्डर टू सिट ऑन द चेयर ऑफ अ जज। सो कार्ड ऑफ जस्टिस हमें जो है कहीं ना कहीं एक दिलासा देता है, एक हमें जो है विश्वास दिलाता है कि जो जजमेंट जो दी जाएगी वो दी जाएगी आपकी लाइफ को देखकर, और अच्छे से जो है आपकी सिचुएशन को जो है तोला जाएगा, उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन दिया जाएगा। तो आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे जो डिसीजन हो रहा है वो कहीं ना कहीं लाइफ आपको डिसाइड कर रही है। इट्स मोर लाइक द कर्मा, इट्स मोर लाइक यू नो दैट द लाइफ इज़ डिसाइडिंग फॉर यू। जस्टिस कार्ड बहुत बारी जो है जब आपकी रीडिंग में आता है वो हमें ये सिग्निफाई करता है कि देर इज़ अ डिसीजन विच यू नीड टू मेक अबाउट योर लाइफ, कि देर कुड बी अ पेंडिंग डिसीजन इन योर लाइफ एंड द टाइम हैज़ कम टू टेक अ डिसीजन अबाउट दैट, और समथिंग इन योर लाइफ नीड्स अटेंशन, समथिंग इन योर लाइफ यू नो यू नीड टू एक्चुअली लुक इन टू, जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। और इसमें जो है एक और चीज़ समझने की है कि आर यू द डिसीजन मेकर और योर रोल इज़ टू एक्सेप्ट द डिसीजन, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर जो है ये जजमेंट पास हो रही है,
हो सकता है आप इस पोजीशन में हो कि दैट यू आर आल्सो जजिंग द अदर पर्सन, कि आप यहाँ पे जजमेंट कर रहे हैं. तो अगर आप जजमेंट कर रहे हैं, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज टू हैव कंपैशन इनसाइड ऑफ यू. और अगर आपके ऊपर जजमेंट की जा रही है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज दैट विद ट्रस्ट एंड फेथ यू एक्सेप्ट द डिसीजन. तो अगर हम बात करें अगर वर्ल्डली टर्म्स में, तो बहुत बार ये कार्ड जो है एक लीगल सिस्टम को भी हमारे जो है शो करता है कि व्हेन यू आर इन्वॉल्व्ड इन सम काइंड ऑफ अ कोर्ट केस और समथिंग. इसका जस्टिस का एस्ट्रोलॉजिकल साइन लिब्रा है और इसका एलिमेंट है एयर, जो कि हम इसको जो कि लिब्रा का भी साइन जो है वो स्केल्स का ही है. जस्टिस का टेल्स अस टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लाइफ, टू लिव अ मोर कॉन्शियस काइंड ऑफ अ लाइफ इन विच यू आर ग्रोइंग एंड मेकिंग योर एंड मेकिंग कॉन्शियस डिसीजंस ऑफ योर लाइफ. क्योंकि अगर आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हुआ तो वो रिजल्ट करता है लिब्रेशन में. इम्पॉर्टेंट है, सो वॉट इज इम्पॉर्टेंट हेयर इज दैट वी हैव टू मेक आर लाइफ एज ब्यूटिफुल एज पॉसिबल, मेकिंग कॉन्शियस डिसीजन विच आर गोइंग टू ब्रिंग मोर एंड मोर ब्यूटी इन टू योर लाइफ. हम अपनी लाइफ जो है एक तरह के पैटर्न में जीते हैं, और वो पैटर्न जो है हमारी पास्ट लाइफ से, हमारे पास्ट कर्मा से जो है वो कनेक्टेड होता है. लेकिन जैसे जैसे आप जो है आपको आपके नेगेटिव कर्मा सीखने लग जाएँ, आपको आपके नेगेटिव एक्शंस दिखने लग जाएँ, उसी वक्त वही वक्त है जब आप उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं, उसके लिए कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं. और उन्हीं एक्शन से धीरे धीरे आपकी लाइफ में जो है एक कॉन्शियसनेस का एक फूल जो है खिलना शुरू होता है. वो कॉन्शियसनेस का जो फूल है उससे जो है आपकी लाइफ जो है और सुंदर होनी शुरू हो जाती है. तो जब भी जस्टिस कार्ड जो है आपकी रीडिंग में आ रहा है, वो आपको जो है बता रहा है कि दैट यू आर एट अ पॉइंट वेयर अ काइंड ऑफ अ डिसीजन इज अबाउट टू बी मेड. और इट कुड बी सेइंग यू नो लाइक यू आर एक्चुअली एट अ पोजिशन वेयर यू नीड टू टेक अ जजमेंट, और वेयर यू नीड टू डिसाइड, और वेयर यू नीड टू डू अ जस्टिस टू योर लाइफ. हमेशा याद रखिए, आप किसी को जज नहीं कर सकते. इट्स इवेंचुअली यू आर जजिंग योर ओन सेल्फ. जो भी आप डिसीजन दूसरे को दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो आप डिसीजन जो है अपने आप को खुद को दे रहे हैं. सो दिस वॉज माई रीडिंग फॉर यू फॉर द कार्ड ऑफ जस्टिस. इट्स वन ऑफ द सिंपल कार्ड्स एंड इट टॉक्स अबाउट द कर्मा ऑफ लाइफ. और जाते जाते एक बुद्धा का कोट जो कि मैं शेयर करना चाहूँगा आपसे. गौतम बुद्ध कहते हैं, ट्रीट अदर्स द वे यू वॉन्ट टू बी ट्रीटेड. बहुत सिंपल सी लाइन में उन्होंने जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रुथ बोल दिया. हम दूसरे से कंप्लेन करते रहते हैं कि दूसरे हमें प्रेम नहीं करते, दूसरे जो है हमें जो है ध्यान नहीं देते. आप जब गहरे में जाएंगे, आप पाएंगे कि जो दूसरा आपको ट्रीट कर रहा है उसके पीछे सिंपल एक लॉजिक है कि आपने उनको जो है किसी ना किसी ढंग से कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उनको ऐसे ट्रीट करा है. उसी वजह से वो जो चीज़ है वो आपके पास वापस आ रही है. तो जो भी दुख है, तकलीफ़ है, जो भी आपकी लाइफ में जो घट रहा है, वो कहीं ना कहीं जो है लाइफ आपको जो है लेसन की तरह जो है कुछ ना कुछ देना चाहती है, कुछ सिखाना चाहती है. तो जब हम लोगों की बात करते हैं, हमेशा याद रखिए बुद्ध का जो ये जो वचन है, इट्स गोल्ड, इट्स लाइक ए डायमंड पर्ल, यू नो. अगर आप ये समझ जाएँ तो आप जो है लाइफ से कभी कंप्लेन नहीं करेंगे. Because in all this process, you will learn the real art of living. So, the Justice card has this beautiful message for you. Always remember it. And I wish that this Justice card bring consciousness to you so that you can have a beautiful life. So, I end my reading here. I will see you in my next video. Till then, be happy, be joyous, and always celebrate. Thank you so much for watching. Namaste.